गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव सिंपली विद संजीता। तो सुबह की बज रही है अभी 7:15। मम्मी जी, मेरी बुआ सास, मेरी जेठ जी और मेरे हस्बैंड ही चारों रेडी है कामाख्या मंदिर जाने के लिए। तो बुआ जी आई थी अपने मतलब ये जो है ना उनकी छोटे बेटे हैं तो जेठ जी के नाम से कुछ पूजा करवानी थी इनको, तो इसीलिए वो आई थी कल रात। आज शायद वो रिटर्न भी करेंगी। तो सुबह सुबह जाना था तो इनको भी ले गए हैं साथ, और बुआ जी और शायद जेठ जी को पता नहीं है मैं यूट्यूब करती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है इसलिए मैं किसी को बताती भी नहीं। और ये मेरे ससुर के बड़े बहन है, ये थोड़ी पुराने ख्यालात की है, इनको अच्छा भी नहीं लगता बहुए नाइटी पहने, कुर्ती पहने, स्लीवलेस कोई ड्रेस पहने, जीन्स पहने, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सावधान रहते हैं। ये जब आती है ना हम लोग का चाल चलन टेंशन सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे इनकी गाड़ी आ गई है, तो पीछे मम्मी बुआ जी और जेठ जी बैठेंगे, सामने ये बैठ गए हैं। हम लोग भी ज़रूर जाते हैं पर बोनू की प्रेगनेंसी चल रही है, इस हालत में उसको सीढ़ियाँ चढ़ना ठीक नहीं होगा और उसको अकेले रख के मैं नहीं जा पाती, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मम्मी को भेज दिया इनके साथ। चला गया है ऑफिस ब्रेकफास्ट करके, प्रीत का स्कूल था तो आज उसको स्कूल में गए हैं जाबो। तो अभी क्या है घर में मैं, बोनू और रियो है, तो हम दोनों मिलके बस सब दोनों मिलके कर रहे हैं, तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। सुबह हम लोगों ने रोटी भी खा ली, अभी देवरानी कर रही है पूजा और रूम वगैरह देखिए सारे सेट है। तो सुबह को जो बना था वो ख़त्म हो गया, अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, शायद वो लोग मंदिर से आके फिर लंच करके आज ही रवाना हो जाएंगे, वो पता नहीं, पर लंच तो बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं है मैं दुकान नहीं जा सकती, और अभी जो है वही बनाएंगे। तो देवरानी को बोला है कि चलो साथ नीचे से कुछ लेके आते हैं, मतलब टोमेटो चाहिए मुझे, और ये जा रहे हैं कल बॉम्बे तो उसके लिए उनका एक पैंट है टेलर में लेके जाना पड़ेगा, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। तो वही सोच रही हूँ कि खाना ऑलमोस्ट हो गया है, जो बाकी रहेगा वो आके कर। देखिए मैंने कुछ मटर मतलब फ्राई कर लिया है, यहाँ पे फिश है, फिश का सर है, कल रात को मैंने मछली बनाया था, दो पीस रह गया है सरसों सर, सरसों के साथ बनाया था दाल। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता बनाया है, और यहाँ पे कैबेज को धो के निकाल के रखा है, काट दिया है, अभी मैं इसको काटूंगी। तो कैबेज को बनाऊंगी फिश के सर से आलू के साथ, आलू को मैंने यहाँ पे देखिए बॉयल कर लिया है, क्योंकि जो भी बनता है प्रीत तो बिना आलू फ्राई और दाल के नहीं खा पाता है, तो मैंने सोचा कि बॉयल कर देती हूँ ताकि झटपट बन जाए। तो मछली बनाऊंगी आलू और टोमेटो के साथ, और फिश के सर से कैबेज बनाऊंगी, फिलहाल तो यही बनाने का प्लान है। तो ड्राई फिश की चटनी है वो भी निकाल रखा है, तो अभी ना कर पा रही हूँ वही करूँगी। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, मैं नीचे भी जाऊँगी, और मैंने ऑयलिंग की है, नहाया नहीं है, नहाऊँगी थोड़ी देर बाद। कल मैंने दाव से काटा था बंधा गोभी, पर आज ना मैंने चाकू से काटा इसलिए थोड़ा मोटा हो गया, और इसको बनने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 1.5 घंटा जैसा लग गया। और साथ में मैं थोड़े से मटर दूंगी और आलू दूंगी, मटर दूंगी इसलिए क्योंकि फ़िश के सर से बनाएंगे ना, तो भाई मेरे हस्बैंड वो नहीं खाते फ़िश के सर से अगर मैं कैबेज बनाऊंगी, तो इसीलिए फ़िश का सर देने के पहले मैं थोड़ा सा उठा के रख दूंगी अलग करके देवरानी भाई और मेरे हस्बैंड के लिए, बाकियों में मैं फ़िश का सर ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों मैं और वास्ते तो हम दोनों जा रहे हैं टेलर और टमाटो वगैरह कुछ लाने, तो आज मैंने ये वाली गिफ्ट जो मिली थी ये वाली कुर्ती पहन ली, और बोनू ने भी पहना है, ऐसे ट्राई कर रहे थे पहन के कि कितना लूज है, फिटिंग्स करवाना पड़ेगा कि नहीं, जहाँ तक टेलर जा रहे हैं तो करवा लेते, पर नहीं ठीक ही है, बोनू का थोड़ा लेंथ कटवाना पड़ेगा, वो बाद में कटवाएगी आफ्टर डिलीवरी करने से भी हो जाएगा। सो एक नाइटी है उसका थोड़ा कट करवाना पड़ेगा नीचे से, तो वो और इनका पैंट लेके जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं टेलर से, और आते टाइम रियो हम सब के लिए चिप्स लेके आया है, तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर जाके हम लोग चिप्स खाएंगे, और उसके बाद में मैंने बनाया है कैबेज की सब्ज़ी, ये बिना सर वाला है फिश के, और ये फिश के सर के साथ मैंने बनाया है, और साथ में मैंने अभी बिठा दिया है मछली की जो सब्ज़ी बनेगी वो आलू के साथ ही बनाऊँगी, क्योंकि बाहर गई थी कुछ भी सब्ज़ी नहीं मिला, बिहू के वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ, तो मैंने आलू से बना दी मछली की सब्ज़ी। देखिए टाइम हो रहा है 3:10, कोई नहीं आया, प्रीत आ गया स्कूल से, उसको नहला दिया, वो बैठ गया यहाँ पे रियो,
यहाँ पे मेरा प्लेट, पोनू का, इतना कुछ बना है पर हम लोग नहीं खाएंगे। मैंने बंधा को भी लिया है और मछली से खा लूँगी। वहाँ लिया है यहाँ पे थोड़ा बैंगन का भरता लिया है, आलू फ्राई, ड्राई फिश की चटनी मैं तो नहीं खाऊँगी, अभी रख दूँगी। मैंने फ़ोन करके बोला है कि तुम सब लोग खा लो क्योंकि हम लोगों को आते शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। कब तक आएँगे, खा के आएँगे या आके खाएँगे ये भी पता नहीं, पर मेरा जो ड्यूटी था वो मैंने कर लिया। खाना वगैरह सब कुछ बनाया, चावल जो भी आएँगे आराम से खा पाएंगे। सो चलिए खा लेती हूँ। और आज मैंने ये वाली नाइटी पहनी है, निकला हुआ था तो पहन लिया, अच्छा भी लगता है नया नया बीच में पहनने से। आज बोनू ने भी नाइटी पहना है, इसका भी नया ही है, दो तीन दिन पहना होगा। तो चलिए खा ले, तो उसके बाद में बात करेंगे। तो बुआ जी लोग आने के बाद उन लोगों ने लंच कर लिया, काफ़ी अंधेरा ही हो गया था, ऑलमोस्ट 5 बज गए थे। उसके बाद में वो लोग चले गए आज ही, कुछ बहुत ज़रूरी काम था उनका। उसके बाद में देवरानी चली गई किचन और बना रही है मैगी हम सब के लिए, एक्चुअली बच्चों के लिए, बच्चों को खाना था मैगी। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा फ्राई कर ले, हम लोग भी खा लेंगे। तो वही, तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि सुबह को उठी, रात को भी वो प्रॉपर सो नहीं पाई थी क्योंकि सोते सोते इनको 2 बज गया था। फिर सुबह उठ के नहाया, फिर वो गई मंदिर और दिन भर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो आने के बाद वो बिस्तर पे ही थी, बोनू ने मैगी बनाया, फिर चाय भी बनाई और हम सब यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं मैगी। और ऐसे ही जाता है हम सबका टाइम। जॉइंट फैमिली में रहने की एक अच्छी बात होती है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब भी होती है तो भी सबके साथ रह के इतना अकेला फील नहीं होता है, बातों बातों में तबीयत का भी पता नहीं चलता। तो मुझे तो अच्छा ही लगता है सबके साथ रहना। और बोनू और मेरी काफ़ी बनती है, हम लोग थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी करते हैं, ऐसा ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था तो मम्मी ने उसको थोड़ा सा मारा, तो वही फिर से वो देख रही थी कि ज़्यादा तो नहीं लग गया। तो आज रात के डिनर में बना है पतला करके मसूर दाल 5 फोरन के साथ, और साथ में आलू फ्राई और ये कैबेज की सब्ज़ी, ऑमलेट भी बनी है, वो कढ़ाई में है, बोनू निकाल रही है। प्रीत को तो दाल आलू फ्राई चाहिए ही था, और मछली अभी हम लोग कोई नहीं खाएंगे। मम्मी कपड़े भी धो रही है क्योंकि और गेस्ट आने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।